अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी ये देखिए सामने अब हम बना रहे हैं आज मैक्रोनी, जिसके लिए मैंने ये बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर कट कर लिए हैं। चिकन भी बॉईल कर लिया है। आपको तो पता ही है कि चिकन बहुत महंगा हो गया आजकल, और साथ ही मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। बच्चों ने बहुत ज़िद की हुई थी काफ़ी दिनों से कि मैक्रोनी बनाएं, तो चलें इस तरह से बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। ये बिग बॉयलर का मैंने 2 पैकेट लिए और दूसरी तरफ जो है ये साग बना हुआ है, क्योंकि बच्चे तो मैक्रोनी शौक से खा लेते हैं, बड़ों के लिए साग बनाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं हमारी हौसला अफजाई भी होती है, और फिर दिल करता है जब आपसे सब्सक्राइब करते हैं तो न्यू न्यू वीडियो हम डालते हैं। ये मैंने पहले चिकन को फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस और विनीगर, सोया सॉस और फिर चिली सॉस डाली थी। ये मैंने विनीगर डाल दिया और फिर मैं इसमें काली मिर्चें डाल दूँगी 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था, और चिकन पाउडर नहीं था। चिकन पाउडर से भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि बस फिर इसके बाद ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें मिक्स कर दी, उनको भी फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद फिर मैं मैक्रोनी डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें मुझसे एक वीडियो स्किप हो गई है जिसमें मैंने मैक्रोनी मिक्स किए थे, तो लेकिन बस ये है कि इसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी मिक्स कर देने हैं, और अच्छी तरह से जब वो सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और केचप वगैरह, तो फिर ये रेडी हो जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह से ये हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।